एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी की क्लास 11th की बुक से लिया गया है, इवेलुएट यानी कि मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट है 8 फैक्टोरियल और सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो फर्स्ट पार्ट की है, वो 8 को एक एक नंबर घटाते हुए 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 3 से, जो है मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 7 = 56 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 336 यानी कि 336 आता है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से गुणा करने पर हमारे पास 336 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आता है 1680 यानी कि 1680। इसको अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 6720 आता है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो है 20160 यानी कि 20160। फिर 2 से करेंगे तो ये जो है वैल्यू हमारे पास आती है 40320 यानी कि 40320। यही फैक्टोरियल 8 की वैल्यू है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 से लेके 1 तक के जितने भी डिजिट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करने का कोई इजी मेथड भी ढूंढ सकते हैं, जैसे 5 को 2 के मल्टीपल से किसी से मल्टीप्लाई करके 0 बनाया जा सकता है। तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल जो है वो 4 × 3 × 2 × 1, और 3 फैक्टोरियल जो है 3 × 2 × 1 हुआ। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 हो गया, और 3 × 2 जो है 6 हो गया। तो 24 − 6 जो है 18 के इक्वल है, और यही सेकंड पार्ट का आंसर भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें।